पारिवारिक पार्टी में हिस्सेदारी के लिए जंग अब सतह पर आ चुकी है। कुछ लोग जो दावा कर रहे थे कि ऑल इज वेल है और तेज प्रताप यादव तो नॉन इशू है, उन पर चर्चा भी क्या करना है, उनको तेज प्रताप यादव ने अपने ट्वीट के माध्यम से जवाब दे दिया। कहा कि उनको तो नहीं रखा स्टार प्रचारक में, लेकिन उनकी माता और बहन को भी न रखकर अपमानित किया जा रहा है। अब तो यह भी बात सामने आ रही है कि उनके संगठन के द्वारा तारापुर में उम्मीदवार भी दिया जा रहा है। मतलब साफ है, जिस तरह से पहले के जमाने में राजा महाराजा के परिवार में एक भाई जब आगे बढ़ता था तो बाकी भाइयों का कत्ल करना पड़ता था, ठीक उसी तरह से कोशिश हो रही है तेज प्रताप यादव जी के राजनीतिक कत्ल करने की, ताकि तेजस्वी यादव जी अकेले आगे तक पहुंच जाए। लेकिन तेज प्रताप यादव ने भी बगावत का मूड बना लिया है। खैर, मतदाता मालिक देख रहे हैं कि जो लोग परिवार में समन्वय स्थापित नहीं कर सकते हैं वो जनता की क्या सुनेंगे, इसलिए इनको अपना कीमती वोट देकर बर्बाद नहीं करना है। देखिए, तेज प्रताप जी पहले कहते रहे हैं कि वो कृष्ण हैं और तेजस्वी जी उनके अर्जुन हैं, तो निश्चित तौर पर उन्होंने गीता पढ़ी होगी। और महाभारत के बाद कृष्ण ने ये बात कही कि युद्ध से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, लड़ाई से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि मिलजुल के दोनों भाई आपस में बात करें, परिवार के बाकी सदस्य भी हैं, सब मिलजुल के कोई रास्ता निकालें। उन लोगों की बातों में लोग ना आए जो दो भाइयों को आपस में लड़ाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है समाज में। नेता प्रतिपक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी को पटना वासी से यह साबित होता है कि नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव में दम नहीं है, जनता उनको नकार चुकी है। उनके अस्तित्व को बचाने के लिए सजगता श्री आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार आ रहे हैं। एक समय था कि चुनाव में अब होर्डिंग से अपने माता पिता श्री लालू प्रसाद यादव जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी का श्री तेजस्वी जी ने पोस्टर से फोटो तक हटा दिया था, होर्डिंग से फोटो हटा दिया था। आज परिणाम यह है कि उनको फिर आदरणीय सजगता श्री लालू प्रसाद यादव जी के सहारा लेना पड़ रहा है। अपने माता और बहन को चुनाव अभियान समिति में नाम नहीं दिए हैं। मातृशक्ति के आराधना के दिन जो है उनके बड़े भाई तेज प्रताप ने आरोप लगा रहे हैं कि मातृत्व का अपमान कर रहे हैं श्री तेजस्वी यादव जी। तो आप समझ लीजिए कि किस आचरण और चरित्र के हैं नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी। उनका गुड़ती नैया का एक ही सहारा है सजगता श्री लालू प्रसाद यादव जी, और वो अगर राजनीति में सक्रिय होते हैं तो कोर्ट को संज्ञान लेने की जरूरत। तय करती है और आला कमान तय करता है कि स्टार प्रचारक कौन होंगे, और चूंकि ये उपचुनाव है, आम चुनाव नहीं है, ये उपचुनाव है, और इसलिए पार्टी ने जो तय किया है, हम भी स्टार प्रचारक में होते थे, मेरा भी नाम नहीं है, तो इससे क्या पार्टी के प्रचार में हम नहीं जाएंगे क्या? हम दोनों जगह जाएंगे, पार्टी को जीत दिलाने के लिए जितना भी काम करना पड़ेगा हम लोग मेहनत करके और पार्टी को जीत दिलाने का काम करें। कोई इशू नहीं है, स्टार प्रचारक कोई इशू नहीं है। हम सबसे कहेंगे कि आप पार्टी में हैं तो पार्टी के लिए आप काम कीजिए, और पार्टी कैसे जीते इसके लिए आप काम कीजिए, और अपने मेहनत के बल पर नेता लोग बनता है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ट्वीट करके निशाना साधा है, नहीं ये सब कोई बात नहीं है, ये सब कोई मैटर नहीं है।